यूपी के कासगंज में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने लॉकडाउन के बाद घर पहुंचने पर स्वीकारने से ही इनकार कर दिया। दरअसल नदरई गेट स्थित ब्रज कुंज कॉलोनी में विवाहिता की ससुराल है। इनकी शादी 3 साल पहले हुई थी। पीड़िता के मुताबिक होली के दौरान आगरा के दुर्गा कॉलोनी स्थित अपने मायके गई थी। वहीं कुछ समय बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। पीड़िता का आरोप है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जब ससुराल लौटी तो भतीजी ने दरवाजा जरूर खोला, लेकिन सास और पति ने धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर लिए। काफी विनती करने के बाद भी कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हुआ। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल जनों ने इसके बावजूद दरवाजा नहीं खोला। पीड़िता दरवाजे पर चीखती और पुकारती रही, लेकिन ससुराल जनों का दिल नहीं पसीजा। फिलहाल विवाहिता ने जिले के पुलिस अधिकारियों से मामले में न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। पिंकी शर्मा। पिंकी जी, आप यहाँ दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, क्या मामला है? अपने मायके गई थी होली पे, दौज पे। मैं वहाँ पर लॉकडाउन में फंस गई थी। इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक मारा, 2 महीने से कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं। और आज मैं आई हूँ तो ये लोग गेट नहीं खोल रहे। खुला था, मैं घुस भी गई थी तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मुझे जला दिया गया था शादी पे। मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, मैं कहाँ से ला के दूँ इन्हें? 4 घंटे से खड़ी हूँ, कोई गेट नहीं खोल रहा। इससे पहले जब कासगंज से जनमत न्यूज के लिए सोनू दुबे की रिपोर्ट।